तो बच्चों आप लोग ये देख सकते हो कि ये बहुत ही सेंसिटिव है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कि ये कितनी थिकनेस में है, ठीक है ना, बहुत ही सेंसिटिव है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम दिस माय न्यू वीडियो एपिसोड बादशो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और जैसे कि आपने ये वीडियो में देखा कि हमने किचन बना लिया है, ठीक है ना, और इस पीस से हमने एक इतना सा पीस निकालना है, ठीक है ना। तो बिना डर है कि हम इसकी कटिंग करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है ना। तो बिना डर है कि हम इसकी कटिंग करते हैं पहले, ठीक है ना। और जो सा हमने स्केच बनाना है, वो जो सा स्केच होगा वो हमने पेपर पे नहीं बनाना, वो इस पीस के ऊपर बनाएंगे। और कार्विंग, कार्विंग मैंने सुना है, कार्विंग करेंगे, ठीक है ना। और बिना टाइम देखिए इसको काटते हैं पहले। तो बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि ये हमने पीस काट लिया है, ठीक है ना। और अब हम इसके ऊपर नॉर्मल ही एक कैप बनाएंगे, ठीक है ना। और फिर जब हम क्रेविंग करेंगे तब इसकी क्लियर शेप आएगी। तो अपने टाइम है कि हम इसके ऊपर एक कैप का स्केच बनाते हैं नॉर्मल सा, ठीक है ना। बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि इसको हमने काट लिया है, ठीक है ना। और ये आपको सर्कल जो सा नजर आ रहा है, ये इसको होल बनाएंगे, ठीक है ना, होल करेंगे इसके अंदर। जैसे कि ये हम ऐसे कैप पहनते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम दे के इसको मिनी रोटर के साथ होल करते हैं, ठीक है ना, बिट लगाते हैं, बहुत डायमंड बिट, ठीक है ना। तो बिना टाइम दे के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि ये कैप जो सी है हमने बना ली है, ठीक है ना। और अब हमने इसको लगाना है रेगमाल, ठीक है ना। इसको कार्विंग कर ली है, तराश भी लिया है, ठीक है ना। और अब हमने इसको रेगमाल लगाना है। तो बिना टाइम जाए कि अब हम इसको रेगमाल लगाते हैं और फिर बाद में हम इसके ऊपर एक वायर भी लगाएंगे। तो बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि ये हमने कैप को रेगमल लगा लिया, ठीक है ना। रेगमल लाइम हो गया काफी हद तक, ठीक है ना। नॉर्मल हमने रेगमल लगाया अभी, ठीक है ना। और अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे और इसके ऊपर कॉपर की वायर लगानी है, ठीक है ना। और बिना टाइम जाएगी हम निशान लगाते हैं और कॉपर की वायर इसके ऊपर लगाते हैं। तो बादशाह आप लोग देख सकते हो कि हमने इसको रेती लगाई है, ठीक है ना। और अब बारी है रेगमाल की, ठीक है ना। रेगमाल के रेगमाल से पहले हमें एक लकड़ी का पीस लगाना है और जो कि इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ठीक है ना, बॉक्स कैप के ऊपर एक बटन टाइप बना होता है, ठीक है ना। तो वो वुड का सर्कल सा बना के हमने इसके ऊपर लगाना है। तो बिना टाइम जाए कि हम इसको लगाते हैं।
तो बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि हमने इसको रेगमल लगा के इसको साफ कर लिया, ठीक है ना। और अब हमने यहाँ पे इसका एक सुराख मारना है, ठीक है ना, इस वाली जगह पे, ठीक है ना, और वो कीचेन का होगा, ठीक है ना। तो अब हम सुराख मारने के बाद ना इसको करेंगे पॉलिश, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि हम इसको सुराख मारते हैं कीचेन का और फिर इसको पॉलिश करते हैं। और ये देखो बाबा जी, बहुत तो बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि हमने इसको चाबी के अंदर डाल लिया, ठीक है ना। और अब हमने लास्ट इसको करना है पॉलिश, ठीक है ना। तो बिना डर है कि हम इसको पॉलिश करते हैं, ठीक है ना, बड़ी पावर सी, तो वो नेचुरल में होगी। तो सो लेट्स गो स्टार्ट दी पॉलिश। तो बादशाह आप लोग देख सकते हो कि इस ढक्कन के अंदर हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक वार्निश और एक मिट्टी का तेल, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैप के ऊपर लगाते हैं। तो बादशाह आप लोग देख सकते हो कि हमने इसको ब्रश के साथ लगा लिया है, ठीक है ना। तो अब इसको सुखाने के लिए यहाँ पे रखेंगे, इस कील के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। और ये जब तक सूखता है, ठीक है ना, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और इसके सूखने का वेट करते हैं और आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। तो बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि ये बहुत ही सेंसिटिव है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कि ये कितनी थिकनेस में है, ठीक है ना, बहुत ही सेंसिटिव है ये। और बाय द वे बहुत यूनिक है, ठीक है ना। तो बादशाह आप लोग ये देख सकते हो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। और ये ना बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि ये एक दो दफ़ा मुझसे भी टूटा है, क्रैक हुआ है, ठीक है ना। रहा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको बनाया है, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ ले जाएंगे। तो हमें दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।